नमस्कार किशन भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेस्ट की जिसको हम घर पे ही कम से कम लागत में बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये कीट और रोग रोकने के साथ साथ मृदा की संरचना सुधारता है, साथ ही साथ किसान भाइयों ये फसल की पैदावार बढ़ाता है और मानव और पर्यावरण की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। किसान भाइयों, एक किसी भी तरह का मानव और जो या जो पर्यावरण या जो हमारे मित्र कीट हैं उस पर किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुँचाता है। किसान भाइयों, इस पेस्ट को बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उस पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, हमें देसी गाय के दूध से बना हुआ छाछ लेना है या हमें देसी गाय का जो या बैल का मूत्र भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक या दोनों को हम ले सकते हैं। फिर क्या करना है किसान भाइयों, हमें ये किसी मटके में या किसी प्लास्टिक के ड्रम में उसको डालना है। उसके बाद हमें जो नीम की पत्ती या निबोली को पीस कर चटनी मिलाने के बाद 203 kg होनी चाहिए। ये जो नीम की पत्तियां हैं या निभोली हैं उन्हें अच्छी तरीके से पीस लें। इसी जो घोल है, जो 20 लीटर जो हमने लिया है, चाहे छाछ हो गया चाहे मूत्र हो गया, उसमें अच्छी तरीके से मिला दें। इसी क्रम में हमें धतूरा की पत्तियां लेनी हैं, उसको पीस के भी हमें इसी मिलाना है। और जो आँख है, आँख या अकौवा बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उसको भी हम ले सकते हैं किसान भाइयों, उनकी पत्तियों को पीस के हम इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद ये जो बेसरम का पौधा रहता है जो आपको नहरों के किनारे आराम से मिल जाता है, इनकी पत्तियों को लेकर 2 से 3 kg और हमें पीस के इसी घोल में मिलाना है। उसके बाद कनेर का पौधा जिसमें पीले कलर के फूल आते हैं, उनकी पत्तियों को लेके हमें 2 से 3 kg पीलना है। और उसके बाद बेलपत्री, किसानों जी हाँ, जो अपन शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं उसी बेलपत्री की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, उनको लेके 2 से 3 kg लेना है, अच्छे तरीके से पीस के हमें इसमें मिलाना है। उसके बाद अरंडी के पत्ते भी लेने हैं, 2 या 3 kg पीस के इसी घोल में मिलाने हैं। 200-300 ग्राम हमें हल्दी पाउडर लेना है। किसान भाइयों, अगर आपके घर में तावे का लोटा पड़ा हुआ है या तावे का तार है या जो पुराना जो मोटर वगैरह फूक जाती है उसका या कोई प्लेट पुरानी पड़ी हुई है तो इसी घोल में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं किसान भाइयों, इन जो हमने सामग्री बताई है करीबन 8 से 9 है, इनमें एक आध कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसान भाइयों। हमारा जो घोल बनेगा ये पेस्ट बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा किसान भाइयों। ये पेस्ट रस चूसक जो चूसने चबाने वाले कीट होते हैं उन पर अच्छा काम करता है, विभिन्न प्रकार की इल्लियों पर काम करता है और ये साथ ही साथ फफूंदनाशक की काम करता है, जो फंगस लग जाती है उसको भी रोकने का काम करता है, साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इस घोल को हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक तो स्प्रे के द्वारा और दूसरा हम नीचे ज़मीन पे जब हम पानी चलाते हैं उस समय भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसको तैयार कैसे करते हैं, मतलब इस घोल को कैसे बनाते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हमें करना क्या है, इस घोल को बनाने के लिए हमें मटका या प्लास्टिक का बर्तन उपयोग करना है। ये क्या है, ये लंबे समय के लिए अगर हम बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं किसान भाइयों, ये जो पेस्ट हमने जो अच्छे तरीके से मिला के उसमें डाला था उसको क्या है, उसके जो बर्तन रहता है, बर्तन को मुंह कपड़े या पॉलीथिन से अच्छी तरीके से रस्सी की सहायता से हम उसके बांध देंगे। फिर उस बर्तन को करना है क्या है, हमें किसी छायादार पेड़ के नीचे गाड़ देना है, या तो हमें गाड़ देना है या जो कच्चा गोबर पड़ा या सड़ा हुआ गोबर पड़ा हुआ रहता है उसमें गाड़ देना है, या मिट्टी की सहायता से हमें उसमें ढक देना है। इससे क्या है, अच्छी तरीके से उसमें जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से बनेगा। और उसके बाद करना क्या है, हमें 20 से 25 दिन के उपरांत हमें उस जो बर्तन या मटका जो मिट्टी में गड़ा हुआ था उसको उखाड़ के उसमें जो घोल रहता है, जैसे बहुत से प्रकार का पेस्ट उसमें पड़ा हुआ है, वो अच्छी तरीके से सड़ जाता है, उसका अर्क उस पानी में मिल जाता है और अच्छा पेस्टिसाइड बनता है, उसको अच्छे से छान के हमें उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, करीबन करीबन 1 एकड़ में उपयोग करने के लिए हमें 5 से 10 लीटर का हमें उपयोग करना चाहिए और उसमें 20% पानी मिलाना चाहिए, मतलब 10 लीटर जो घोल बन के तैयार होता है उसमें हमें मतलब 200 लीटर पानी ऐड करना चाहिए, 20% बढ़ाना है उसमें, मतलब 200 लीटर पानी में ऐड करके उसको हम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा किसान भाइयों। इसके साथ ही हम बात करेंगे किसान भाइयों, अगर हमें जल्दी पेस्ट बनाना है तो हमें गौमूत्र लेना है 20 लीटर, और ये जो पेस्ट हमने जो ऊपर बताए हैं सभी प्रकार की सामग्री को उनको अच्छी तरीके से पीस कर हमें उसमें एक बर्तन में डालना है और जो जिसमें आग जलाते हैं मतलब उस चूल्हे के ऊपर रखना है, उसमें धीमे धीमे उबालना है। अच्छे से 4-5 उबाल आने के बाद किसान भाइयों हमें 48 घंटे तक ठंडा होने देना है, जिससे उसका जो पेस्ट है उसका अर्क पूरी तरीके से उसमें उतर जाए। फिर उसको अच्छे से छान कर 20% पानी मिलाकर हमें 10 लीटर कीटनाशक के साथ 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है किसान भाइयों, मतलब हमें 20% पानी मिलाना है, जिस तरीके से हम अगर घोल जो पेस्ट बनाते हैं। किसान भाइयों, ये पेस्ट बहुत ही अच्छा है और कम बजट में तैयार होता है, हम सभी किसान भाइयों इसका आराम से
घर पर ही बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो पौधे हैं वो हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।